नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोरमैट। आप इससे बड़ा बनाएंगे तो आप कारपेट भी आप बना सकते हैं, किसी भी शेप में आप इसको बना सकते हैं। बहुत ही इजी आइडिया मैं आपको देने वाली हूँ इसमें, और जो बहुत ही सुंदर आपका कारपेट और डोरमेट बनेगा। इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें एक बोरी चाहिए। बोरी आप जो भी साइज बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपको बोरी चाहिए। कोई भी कलर आप ले सकते हैं, आप जो ऊन लेंगे कोई भी कलर का ले सकते हैं। जैसे मैंने 3 लिए, आप जो है एक ही कलर से भी बना सकते हैं, वो आपके ऊपर च्वाइस है। ऊपर से एक हमारे को एक कपड़ा चाहिए, ज़्यादा कपड़ा नहीं चाहिए, सिर्फ हमारे को बॉर्डर बनाने के लिए इसके लिए कपड़ा चाहिए, सीजर चाहिए, नीडल और एक ये जो है पाइप चाहिए, इस तरीके का जो पानी वाला। साइज आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे यूज कर सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए ये देखिए फ्रेंड्स, बोरी को आप कोई भी शेप में आप काट सकते हैं। मैंने ओवल शेप में काटा है इसको, आप कोई भी शेप इसकी काट लीजिए। अब हमें बॉर्डर बनाने के लिए कपड़ा चाहिए, तो बॉर्डर बनाने के लिए कपड़ा जो अगर आप ओवल शेप में बनाते हैं या राउंड शेप में अगर बनाते हैं तो आपको उरेप पट्टी काटनी है। अगर आप स्क्वायर में बनाते हैं या ट्राइंगल बनाते हैं, ऐसी शेप बनाएंगे तो आप जो है सीधी पट्टी भी इसको काट सकते हैं। उरेप पट्टी हमने काट ली है, काटने के बाद जो है इसमें हमने जॉइंट लगा लिया है। अब हम इसे इसको काट लेते हैं इसका कॉर्नर और इसे जो है स्ट्रेट कर लेंगे। अब ये देखिए कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमारा उल्टा साइड लेंगे हम इसको, यहाँ से उल्टी साइड से इसको लगाना, राउंड से इसको लगाते हुए पूरे को हम अटैच कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, उरेप पट्टी जो है हमने लगा ली है एक साइड। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से हम छोटा छोटा कट लगा देंगे अपनी सिलाई से थोड़ी दूरी पर, ये देखिए, और ऐसे ही करते हुए हम पूरे राउंड में जो है इसको छोटा छोटा कट लगा लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चारों तरफ हमने कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद इस पट्टी को आप इस तरीके से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो हमारी ये स्टिचिंग है इस वाली स्टिचिंग के ऊपर ऐसे रखेंगे और इसको जो है चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे। हम इस तरीके से ऐसे फोल्ड करते हैं तो ये दोनों तरफ से ये देखिए फिनिशिंग आती है इसमें। तो इस तरीके से आप अगर करेंगे तो देखिए दोनों तरफ आपकी फिनिशिंग आएगी। तो हम ऐसे ही बॉर्डर बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बॉर्डर जो है लग चुका है। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आप सिलाई सीखो चैनल को फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। थैंक यू। देखिए फ्रेंड्स, अब हम ऊन का यूज़ करेंगे। ये देखिए, अब आपने करना क्या है, ये जो है इसको हम इस तरीके से चार फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारी डबल फोल्ड हो गया। डबल फोल्ड होने के बाद इसको फिर हम एक बार फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हम इसको फिर फोल्ड करेंगे। ये हमारी जो है 4 फोल्ड हो गए हैं इस तरीके से। और फिर अब हम इसको यहाँ से काट देंगे। काटने के बाद आप इसे नीडल में डाल लीजिए। ये देखिए, इस तरीके की नीडल जो है आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिससे हम बोरी वगैरह सिलते हैं, ये उस तरीके वाली नीडल है। तो ये आपको नीडल मिल जाएगी, जिससे जो है ऊन भी डालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी और बनाने में भी आपको इजी लगेगा। अब ये देखिए, अब हम इसको पाइप को यूज़ करेंगे। पाइप को यूज़ करने के लिए पाइप यूज़ कर आप कोई भी डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं। मैं इसमें राउंड शेप डिज़ाइन बनाऊँगी। राउंड बनाने के लिए आप इस तरीके से जैसे मैंने गोल किया हुआ है आप ऐसे कर लेंगे, या फिर आप अगर आपने लंबे स्ट्रिप इस तरीके से डिज़ाइन बनाना है तब भी आप पाइप को ऐसे सीधा कर आप इसको बना सकते हैं, या फिर कोई आप स्टिक भी आप ले सकते हैं। अब ये देखिए, इसको हमने फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये देखिए, ऊपर की साइड जो है हमने इसको डिज़ाइन बनाना है। ये देखिए, ऐसे मैंने यहाँ पर किसी भी साइड से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रखा और इसके पास से बिल्कुल इसकी ऐसे रखेंगे और इसके पास से हम एक स्टिच देंगे। ये देखिए, ऐसे ऐसे स्टिच देने के बाद ये यहाँ से हमारा फोल्ड, 4 फोल्ड थे हमारे यहाँ पर। ये देखिए, हमने नॉट नहीं लगाई है तो इसको जो है हम इस तरीके से पहले यहाँ पर पक्का कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से ये पक्का हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए, अब हमने यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद ये इसको यहाँ से लेंगे थोड़ा सा और इसको इस तरीके से कर देंगे। ये ऐसे करेंगे और ये जो हमारी ऊन है इसके अंदर डाल देंगे और अब हम इसको खींच देंगे ये इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे कर इसके अंदर ये बल आ जाएगा। फिर उसके बाद फिर ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लेंगे इस बॉर्डर के साथ साथ जो है हम इस पाइप को रखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर थोड़ा सा हम आगे को ले जाएंगे ये ऐसे, और फिर हम जो है स्टिच दे देंगे और इसको जो है हर बार अंदर ही कर देना आप।
ये देखिए ऐसे करेंगे, फिर एक बार फिर ऐसे ही जो है पूरे करते हुए हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा लेंगे इसको इस तरीके से और इसको घुमाएंगे और इसको जो है हम बीच में डाल देंगे, ये ऐसे करते हुए इसको ऐसे ही पूरा को कंप्लीट कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से ये हम जो है बनाएंगे। अब बनाने के बाद आप इस पाइप को जो है थोड़ा थोड़ा निकाल दीजिए, ये देखिए इसको हम निकाल देंगे, ये देखिए ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही गैप गैप कर कर जो है आप जो है अलग अलग कलर की ऊन लगाकर इसे जो है कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने जो है इतना बना लिया है, जो हमने पहले स्टिच बताया था वो आप जो है इसको कटिंग नहीं कर सकते, इसको आप ऐसे ही रोल बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं। ये वाला जो हम स्टिच बताएंगे ये दूसरा स्टिच है, इस स्टिच में जो है आप जो है कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए ये वाला स्टिच हमने कैसे करना है, ऐसे ही हमने इसको घुमाना है। इसको घुमाने के बाद ये देखिए थोड़ा सा हम यहाँ से लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ से लेंगे और ये वाले जो स्टिच के जो हमारा साथ वाला जो इसके स्टिच है ये वाला स्टिच जो है इसके साथ में, इसको यहाँ से लेंगे और इसको इस तरीके से हम घुमा देंगे। ये देखिए ये टाइट हो गया, यहाँ पर एक नॉट लग गई। फिर ऐसे करेंगे, ये देखिए ऐसे ही यहाँ से हम फिर थोड़ा सा लेंगे। अब ये वाला जो है इस वाले स्टिच में से लेंगे यहाँ से और इसको ऐसे लेकर अब हम इसको फिर घुमा देंगे धागे को और इसको यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो है नॉट लग जाएगी, ये जो है खुलेगा नहीं। अब फिर ऐसे ही करेंगे, जो पहले लिया था हमने उस वाले स्टिच के अंदर से इस तरीके से लेंगे, ये देखिए ऐसे। ये लेने के बाद अब फिर इस धागे को फिर हम ऐसे घुमा देंगे, घुमाने के बाद इसको फिर हम ये ऐसे कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से जो है गोल घूमकर हमारी ये नॉट लग जाएगी जो ये खुलेगा नहीं। तो ये वाला जो है जो हमने बनाया पिंक कलर का, इसको हम जो है काट सकते हैं। तो आप दोनों ही स्टिच कर जो है आप इसको बना सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे वो आप बना सकते हैं। ये देखिए डिज़ाइन जो है दोनों ही सुंदर लगते हैं। आप इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ये जो है आपकी ऐसे नॉट लगती जाएगी, ये देखिए यहाँ पर ये नॉट लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो ये जो है धागे निकलेंगे नहीं, ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। तो मैं इसको भी इसी तरीके से नॉट लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा डोरमेट जो है ये बनकर रेडी हो चुका है, इसकी हमने कटिंग कर ली है। ये देखिए जो नॉट हमने लगाई थी उसकी हम कटिंग कर सकते हैं और जिसकी हमने नॉट नहीं लगाई थी स्टार्टिंग में ये वाला स्टिच बताया था, इसको आप रोल कर भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोनों स्टिच जो है आप इसमें कर आप डोरमेट बना सकते हैं, टेबल मैट आप बना सकते हैं और कारपेट भी आप इससे बड़ा साइज़ का बना सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।